गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, इन द प्रीवियस लेक्चर्स वी डिस्कस अबाउट सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैट्रिसेस, द बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिसेस, द टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस एंड द बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म बिटवीन द एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिसेस. ठीक है, नाउ इन दिस लेक्चर वी डिस्कस सम बेसिक प्रॉब्लम्स विच इज़ बेस्ड ऑन द अर्थमेटिक ऑपरेशन ऑफ द मैट्रिसेस एंड द टाइप ऑफ मैट्रिसेस. इन विच वी फर्स्ट डिस्कस द प्रॉब्लम इफ ए इज इक्वल टू 1 2 2 2 1 2 2 2 1 अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3 देन शो दैट द एक्सप्रेशन ए स्क्वायर माइनस 4a - 5y इज इक्वल टू 0 इज सेटिस्फाइड. सो टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम फर्स्ट वी हैव टू डिराइव द स्क्वायर ऑफ द मैट्रिक्स दैट इज ए स्क्वायर विच मीन्स ए क्रॉस ए. टू राइट द मैट्रिक्स ए विच इज मल्टीप्लाइड टू इटसेल्फ, तो हमने मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन डिस्कस किया था. हाउ टू मल्टीप्लाई द टू मैट्रिसेस, द बेसिक कंडीशन टू मल्टीप्लाई द टू मैट्रिसेस इज द नंबर ऑफ कॉलम्स इन द फर्स्ट मैट्रिक्स मस्ट बी इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज इन द सेकेंड मैट्रिक्स. सो इन द फर्स्ट मैट्रिक्स द नंबर ऑफ कॉलम्स आर 1 2 3 एंड द नंबर ऑफ रोज इन द सेकेंड मैट्रिक्स आर 1 2 3. तो फर्स्ट मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम 3 है और सेकेंड मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज भी क्या है, 3 है. यानी पहले व्यू में अगर हम बात करें तो स्तंभों की संख्या 3 है, दूसरे व्यू में स्तंभों की पंक्तियों की संख्या 3 है. तो अगर नंबर ऑफ कॉलम फर्स्ट मैट्रिक्स के दूसरी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज के इक्वल हैं तो दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो सकती हैं एंड वी कैन परफॉर्म द मल्टीप्लीकेशन बाय सब्सिक्वेंटली मल्टीप्लाई द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स रो टू सेकेंड मैट्रिक्स कॉलम्स. ठीक है, तो पहली मैट्रिक्स की रोज के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को हम सेकेंड मैट्रिक्स के कॉलम के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से मल्टीप्लाई करके पार्शियल प्रोडक्ट निकालते हैं और उन प्रोडक्ट्स को ऐड करके हम दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन परफॉर्म कर सकते हैं. सो द मल्टीप्लीकेशन ऑफ दीज टू मैट्रिक्स कैन बी डिफाइंड एज द फर्स्ट रो, इसकी पहली रो लो और इसका पहला कॉलम. द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट दैट इज फर्स्ट एलिमेंट इज मल्टीप्लाई टू फर्स्ट एलिमेंट, सेकेंड एलिमेंट इज मल्टीप्लाई टू सेकेंड एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट इज मल्टीप्लाई टू थर्ड एलिमेंट, देन परफॉर्म द समेशन. तो 1 × 1 इज इक्वल टू 1 प्लस 2 × 2 इज इक्वल टू 4 प्लस 2 × 2 इज इक्वल टू 4. सो इट गिव्स वन एलिमेंट ऑफ द रिजल्टेंट मैट्रिक्स. देन अगेन सेम रो इज मल्टीप्लाई टू द सेकेंड कॉलम, उसी रो को सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करो. तो 1 × 2 इज इक्वल टू 2 प्लस 2 × 1 इज इक्वल टू 2 प्लस 2 × 2 इज इक्वल टू 4. तो सेकेंड एलिमेंट मिल जाएगा हमें. सेम रो इज मल्टीप्लाई टू द थर्ड कॉलम ऑफ द सेकेंड मैट्रिक्स, 1 × 2 इज इक्वल टू 2 प्लस 2 × 2 इज इक्वल टू 4 प्लस 2 × 1 इज इक्वल टू 2. तो थर्ड एलिमेंट इज ऑब्टेंड फ्रॉम द रिजल्टेंट मैट्रिक्स. नाउ द नंबर ऑफ कॉलम्स आर 3, क्योंकि हमारे पास 3 ही कॉलम है तो तीनों कॉलम से हमने मल्टीप्लाई कर दिया है. जब तीनों कॉलम से कोई पर्टिकुलर रो मल्टीप्लाई हो जाएगी तो मैट्रिक्स इज क्लोज्ड, तो एक रो हमें हमारी कंप्लीट हो जाएगी. अब सेम ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे हम सेकेंड रो के लिए. फॉर द सेकेंड रो मल्टीप्लाई ईच करस्पॉन्डिंग एलिमेंट टू ईच करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ द ऑल कॉलम्स. तो सेकेंड रो के एलिमेंट को सेकेंड मैट्रिक्स में पहले कॉलम के एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से मल्टीप्लाई करते हैं. देन 2 × 1 इज इक्वल टू 2 प्लस 1 × 2 इज इक्वल टू 2 प्लस 2 × 2 इज इक्वल टू 4. सिमिलरली नाउ मल्टीप्लाई 2 × 2 इज इक्वल टू 4 प्लस 1 × 1 इज इक्वल टू 1 प्लस 2 × 2 इज इक्वल टू 4. देन सेकेंड रो थर्ड कॉलम 2 × 2 इज इक्वल टू 4 प्लस 1 × 2 इज इक्वल टू 2 प्लस 2 × 1 इज इक्वल टू 2. ठीक है, नाउ थर्ड रो इज मल्टीप्लाई टू ईच कॉलम ऑफ द सेकेंड मैट्रिक्स. देन 2 × 1 इज इक्वल टू 2 प्लस 2 × 2 इज इक्वल टू 4 प्लस 1 × 2 इज इक्वल टू 2. सिमिलरली सेकेंड कॉलम 2 × 2 इज इक्वल टू 4 प्लस 2 × 1 इज इक्वल टू 2 प्लस 1 × 2 इज इक्वल टू 2.
Similarly, the third column, 2 into 2 is equal to 4 plus 2 into 2 is equal to 4 plus 1 into 1 is equal to 1. So in this way, we can multiply the two matrices of the same order and find the resultant matrix. So resultant matrix ban jayegi aapki 4 plus 1, 4 plus 4, 8 plus 1, 9, sorry, 8, 8, then 8, 9, 8, then 8, 8, 9. So this is the square of the matrix A, which is A square. तो इस तरह से हमें क्या मिलेगा, ए स्क्वायर मिलेगा, ठीक है. व्हेन वी फाइंड द ए स्क्वायर देन पुट द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर इन द गिवन इक्वेशन. जब हमें ए स्क्वायर की वैल्यू मिल जाती है तो इस वैल्यू को हम गिवन इक्वेशन में पुट करते हैं. नाउ द गिवन इक्वेशन इज ए स्क्वायर माइनस फोर ए माइनस फाइव वाई देन इट इज इक्वल टू ए स्क्वायर. ए स्क्वायर इज नाइन एट एट 8, 9, 8 and 8, 8, 9 minus 4 into A. A is given as 1, 2, 2, 2, 1, 2, 2, 2, 1 minus 5 into I. Now in this case, I is the identity matrix of the same order. तो हमको A का order दिया 3 cross 3, तो I होगी identity of order 3. सो इट बिकम्स ऑर्डर थ्री की आइडेंटिटी होती है 100 010 001. तो इस तरह से हम वैल्यूज पुट कर लेते हैं मैट्रिसेस और उनके स्क्वायर की. नाउ सॉल्व द इक्वेशन देन फर्स्ट मैट्रिक्स इज रिमेनिंग द सेम 988 898 एंड 889. द सेकेंड मैट्रिक्स इज ऑप्टेन बाय द स्केलर मल्टीप्लीकेशन. तो हमने एक ऑपरेशन पढ़ा था स्केलर मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स. किसी भी मैट्रिक्स को किसी स्केलर वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं, कॉन्स्टेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं, देन ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स इज मल्टीप्लाई बाय द कॉन्स्टेंट वैल्यू. तो हर एक एलिमेंट इस कॉन्स्टेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा. देन 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, देन 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, देन 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4. Now, there is also a scalar multiplication with 5. 5 के संग scalar multiplication करेंगे identity का. तो जहाँ जहाँ पर 1 है वहाँ पर 5 आ जाएगा. 500 050 005. Then it is equal to, अब हम तीनों matrix का operation similar एक ही form में कर सकते हैं. फर्स्ट मैट्रिक्स के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से सेकंड मैट्रिक्स और थर्ड मैट्रिक्स के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट करके, देन इट गिव्स 9 माइनस 4 माइनस 5. इसका फर्स्ट एलिमेंट, इसका फर्स्ट एलिमेंट, इसका फर्स्ट एलिमेंट, बीच में साइन है माइनस माइनस. देन सेकंड एलिमेंट इज 8 माइनस 8 माइनस 0. थर्ड एलिमेंट इज 8 माइनस 8 माइनस 0. सिमिलरली सेकंड रो में आ जाओ, पहला एलिमेंट, पहला एलिमेंट, पहला एलिमेंट, देन 8 माइनस 8 माइनस 0, देन 9 माइनस 4 माइनस 5, देन 8 माइनस 8 माइनस 0. सिमिलरली थर्ड रो में 8 माइनस 8 माइनस 0, देन 8 माइनस 8 माइनस 0, देन 9 माइनस 4 माइनस 5. So in this way we can perform the given operation. Now if we solve these expressions, then 9 minus 4 minus 5, then it is equal to 9 minus 9, so it is equal to 0. 8 minus 8 is equal to 0. 8 minus 8 0, 8 minus 8 0, 9 minus 9 0, 8 0, 8 minus 8 0, 0 0, and we obtained a 0 matrix. Aur hame kya milegi, ek 0 matrix milegi of order 3. इसका ऑर्डर क्या होगा, 3 क्रॉस 3. सो इन दिस वे वी कैन शो दैट ए स्क्वायर माइनस 4a माइनस 5i इज इक्वल टू 0. तो इस तरह से हम इन ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है. ये हमने असाइनमेंट में भी प्रॉब्लम सॉल्व की हैं.
आपने पहले भी सॉल्व की होंगी, लेकिन कुछ स्टूडेंट अभी नए हैं क्लास में, तो अभी तक हमने जो डिस्कस किया है, जो हमने पढ़ा है, उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह से इन प्रॉब्लम को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। नाउ द नेक्स्ट प्रॉब्लम इज ऑन द ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, ठीक है। नाउ देयर आर टू मैट्रिसेस ए एंड बी, एंड वी हैव टू वेरीफाई द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, दैट इज ए इंटू बी का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। तो जब किसी प्रॉपर्टी को हम वेरीफाई करते हैं, तो हम दोनों साइड से, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हैं ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ द मैट्रिसेस, एंड फाइंड दैट द बोथ वैल्यूज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड आर इक्वल। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड इसका ले लेते हैं इसको वेरीफाई करने के लिए। नाउ द लेफ्ट हैंड साइड इज ए इंटू बी का होल ट्रांसपोज। तो ए इंटू बी का होल ट्रांसपोज परफॉर्म करने से पहले मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो वी हैव टू परफॉर्म ए इंटू बी, देन इट इज इक्वल टू मैट्रिक्स ए इज 1 1 2 एंड 2 1 0। द मैट्रिक्स बी इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x2, 1 2 2 0 -1 1। इसका ऑर्डर है 2x3, इसका ऑर्डर है 3x2। द नंबर ऑफ कॉलम्स इन द फर्स्ट मैट्रिक्स आर इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज, ये हम चेक करते हैं मल्टीप्लाई से पहले। नाउ मल्टीप्लाई बोथ द मैट्रिसेस। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर मल्टीप्लाइड, तो 1 × 1 इज इक्वल टू 1 प्लस 1 × 2 इज इक्वल टू 2 प्लस इंटू माइनस माइनस 2 1 2। तो ये आ जाएगा आपका 1 + 2 - 2। सिमिलरली सेकेंड एलिमेंट फाइंड करेंगे, दिस रो इज मल्टीप्लाइड टू द सेकेंड कॉलम, 2 × 1 इज इक्वल टू 2 प्लस 0 = 1 = 0 + 2। दो ही कॉलम है तो हमारी मैट्रिक्स यहाँ पर क्लोज हो जाएगी। अब सेकेंड रो में आ जाओ, सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 = 2 प्लस 1 × 2 = 2 प्लस 0 1 = 0। एंड द सेकेंड रो इज मल्टीप्लाई बाय द सेकेंड कॉलम, 2 2 = 4 प्लस 1 × 0 = 0 प्लस 0 × 1 = 0। सो द रिजल्टेंट मैट्रिक्स इज, इन दोनों का जो प्रोडक्ट आएगा वो हो जाएगा 1 4 4 4। तो दिस इज द रिजल्ट ऑफ द मैट्रिक्स ए बी। नाउ द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स ए बी का होल ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज ऑपरेशन हमने पढ़ा था, ट्रांसपोज ऑपरेशन में हम क्या करते हैं, इंटरचेंज द रोज एंड कॉलम ऑफ द मैट्रिक्स। 2x2 की मैट्रिक्स है तो रो को कॉलम के फॉर्म में लिख लो और कॉलम को रो के फॉर्म में लिख लो, देन इट इज 1 4 4 4। तो सेम मैट्रिक्स इज ऑब्टेंड, हमको सेम मैट्रिक्स मिलेगी। ऐसी मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज करने पे सेम मैट्रिक्स मिलती है उसे हम कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ए बी इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ए बी भी एक मैट्रिक्स है जो क्या बनेगी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनेगी। नाउ परफॉर्म द ट्रांसपोज ऑफ ए एंड बी। अब हमने राइट हैंड साइड सॉल्व करनी है, तो राइट हैंड साइड है बी डैश डॉट ए डैश, तो हम परफॉर्म कर लेते हैं इसके लिए बी डैश डॉट ए डैश। नाउ ए डैश इज इक्वल टू मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज, तो मैट्रिक्स ए में 3 कॉलम थे, 2 रो थी, देन इट इज इक्वल टू 1 1 2 एंड 2 1 0। सिमिलरली फाइंड बी ट्रांसपोज, देन इट इज इक्वल टू 1 2 - 1 2 0 1। नाउ द नंबर ऑफ कॉलम्स आर 2 एंड नंबर ऑफ रोज आर 2, तो ये बन गया आपका 3x2 का और ये बना 2x3 का। तो नंबर ऑफ कॉलम किसके इक्वल है, नंबर ऑफ रो के इक्वल है, देन वी कैन मल्टीप्लाई द मैट्रिक्स और RHS। तो इसका RHS अगर हम लेते हैं तो RHS इज बी डैश डॉट ए डैश, देन बी डैश डॉट ए डैश इज बी डैश इज 1 2 - 1 2 0 1 मल्टीप्लाई टू ए डैश, ए डैश इज 1 1 2 2 1 0। नाउ मल्टीप्लाई बोथ द मैट्रिसेस, देन वी ऑब्टेंड 1 × 1 इज इक्वल टू 1। पहली रो को मल्टीप्लाई करेंगे पहले कॉलम से, 1 × 1 2 × 1 इज इक्वल टू 2 + 2 -2 + -2 1 = 2। सिमिलरली फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम,
1 into 2 is 2, plus 2 1 जा 2, plus 0 into 1 is equal to 0. मैट्रिक्स क्लोज. सेकेंड रो को मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट कॉलम से, 2 into 1 is equal to 2, plus 0 into 1 is equal to 0, plus 2 1 जा 2. सिमिलरली फर्स्ट सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, 2 2 जा 4, plus 0 into 1 is equal to 0, plus 0 1 into 0 is equal to 0. So the matrix so obtained is 1, 4, 4, 4. Now we can check the left hand side expression A B ka whole dash is gives the same matrix as obtained by B dash dot A dash. ठीक है, तो दोनों साइड के एक्सप्रेशन से हमें सेम मैट्रिक्स मिल रही है. सो द प्रॉपर्टी इज सेटिस्फाइड और वेरीफाइड ऑन द ट्रांसपोज ऑपरेशन. तो इन मैट्रिक्स पे प्रॉपर्टी क्या करेगी, सेटिस्फाई करेगी. नाउ द थर्ड प्रॉब्लम इज बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ मैट्रिसेस. तो कुछ जनरल टाइप की मैट्रिसेस हमने पढ़ी थी, वैक्टर्स हम कहते हैं रो मैट्रिसेस और कॉलम मैट्रिसेस को. ठीक है, पंक्ति आव्यूह और स्तंभ आव्यूह, यानी रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स आर द मैट्रिसेस विच कंटेन एग्जैक्टली वन रो एंड वन कॉलम. ऐसी मैट्रिक्स जिसमें केवल एक रो एक कॉलम होता है, वो हमने टाइप में पढ़ा था. स्क्वायर मैट्रिक्स पढ़ी थी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स एंड डिफरेंट टाइप ऑफ मैट्रिसेस. ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसपोज ऑपरेशन भी हमने कुछ मैट्रिसेस पढ़ी थी. तो एक मैट्रिक्स हमने डिस्कस की थी, एक प्रॉपर्टी हमने डिस्कस की थी, आइडेम्पोटेंट. ठीक है, तो एनी मैट्रिक्स इज सेट टू बी आइडम्पोटेंट इफ इट्स स्क्वायर इज गिव्स द सेम मैट्रिक्स. अगर किसी भी मैट्रिक्स को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं और उसके मल्टीप्लीकेशन से हमें उसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, उसके मल्टीप्लीकेशन से हमें सेम मैट्रिक्स मिल रही है, देन द प्रॉपर्टी इज कॉल्ड आइडम्पोटेंट. तो नाउ हियर द प्रॉब्लम इज शो दैट द मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 2 माइनस 2 माइनस 4 माइनस 1 3 4 1 माइनस 2 माइनस 3 इज आइडम्पोटेंट. तो यहाँ पर हमने शो करना है कि ये दी हुई मैट्रिक्स क्या है, आपकी आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स है. तो इसको आइडम्पोटेंट प्रूव करने के लिए वी हैव टू प्रूव दैट ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए. तो हमको क्या प्रूव करना पड़ेगा, ए स्क्वायर किसके इक्वल है, ए के इक्वल, यानी ए को मल्टीप्लाई करेंगे ए से तो हमको ए ही मिलेगा. तो नाउ चेक, ए स्क्वायर मीन्स ए इंटू ए, देन इट गिव्स ए. तो ए हमारी मैट्रिक्स है 2 माइनस 2 माइनस 4, 2 माइनस 2 माइनस 4, देन माइनस 1 3 4 एंड 1 माइनस 2 माइनस 3 इज मल्टीप्लाई टू द सेम मैट्रिक्स एंड द मैट्रिक्स इज 2 माइनस 2 माइनस 4 माइनस 1 3 4 1 माइनस 2 माइनस 3. द बोथ द मैट्रिसेज आर सेम. दोनों मैट्रिक्स क्या हैं आपकी, सिमिलर मैट्रिक्स हैं. ठीक है, नाउ मल्टीप्लाई ऑपरेशन इज परफॉर्म्ड ऑन दीज मैट्रिसेस. अब इन मैट्रिसेस पे मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं. तो हमने बहुत सारी मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन परफॉर्म किए हैं. ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन में फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर दो, देन इट इज 2 2 जा 4 माइनस इंटू माइनस प्लस 2 1 जा 2 माइनस इंटू प्लस माइनस 4 1 जा 4. सेकेंड एलिमेंट इज फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, 2 इंटू माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 4 माइनस 2 इंटू 3 इज इक्वल टू माइनस 6 एंड माइनस 2 इन 4 इंटू माइनस 2 इज इक्वल टू प्लस 4 2 जा 8. सिमिलरली थर्ड एलिमेंट इज 2 इंटू माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 8 देन माइनस 2 इंटू 4 इज इक्वल टू माइनस 8 प्लस माइनस इंटू माइनस प्लस 4 3 जा 12. हियर द मैट्रिक्स इज क्लोज्ड. ठीक है, नाउ द सेकेंड रो इज मल्टीप्लाई टू द फर्स्ट कॉलम, देन 1 माइनस 1 इंटू 2 इज इक्वल टू माइनस 2 3 इंटू माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 3 4 इंटू 1 इज इक्वल टू प्लस 4. सिमिलरली माइनस माइनस प्लस 2 3 3 जा 9 माइनस 4 2 जा 8. थर्ड एलिमेंट माइनस माइनस प्लस 4 प्लस 4 3 जा 12 माइनस 4 3 जा 12 एंड द नेक्स्ट एलिमेंट लास्ट रो इज
थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 2 1 जा 2, माइनस माइनस प्लस 2 1 जा 2, माइनस 3 1 जा 3। सिमिलरली द सेकेंड एलिमेंट इज ऑब्टेंड बाय सेकेंड कॉलम मल्टीप्लीकेशन, माइनस 2, माइनस 3 2 जा 6, प्लस 3 2 जा 6। एंड थर्ड एलिमेंट इज मल्टीप्लाई बाय द थर्ड कॉलम, माइनस 4, माइनस 4 2 जा 8, प्लस 3 3 जा 9। सो इन दिस केस वी हैव टू चेक ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए। तो अब ये मैट्रिक्स सॉल्व करने के बाद किसके इक्वल आनी चाहिए, उसी मैट्रिक्स के इक्वल जिसके लिए हम आइडम्पोटेंट प्रॉपर्टीज डिफाइन कर रहे हैं। तो 4 से 4 कैंसिल होगा तो यहाँ 2 बचेगा, ये हो गया माइनस 10 प्लस 8 इज इक्वल टू माइनस 2, इट इज़ इक्वल टू माइनस 8, माइनस 8 माइनस 16, माइनस 16 प्लस 12 इज इक्वल टू माइनस 4, माइनस 2 माइनस 3 माइनस 5 प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस 1, 9 टू 11, 11 में से 8 माइनस होगा देन इट इज़ इक्वल टू 3, 12 में से 12 कैंसिल हो गया इट रिमेन्स 4, 2 2 जा 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1, प्लस 6 माइनस 6 कैंसिल देन इट गिव्स माइनस 2, माइनस 4 माइनस 8 इज इक्वल टू माइनस 12, माइनस 12 प्लस 9 इज इक्वल टू माइनस 3। तो अब हम देखते हैं कि हमको जो मैट्रिक्स दी है वो क्या है। द मैट्रिक्स इज सेम एज द गिवन मैट्रिक्स, ठीक है, 2 माइनस 2 माइनस 4 माइनस 1 3 4, 1 माइनस 2 माइनस 3, सो इट गिव्स ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर से जो वैल्यू हमें मिली वो किसके इक्वलेंट है, ए के इक्वलेंट है। हैंस द मैट्रिक्स ए इज आइडम्पोटेंट। तो मैट्रिक्स ए क्या होगी आपकी, आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स कहलाएगी। सो इन दिस वे वी कैन चेक अ मैट्रिक्स आइडम्पोटेंट और नॉट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन द बेसिस ऑफ हर्मिशियन मैट्रिक्स। तो हमने डिस्कस किया था हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या होती है, ठीक है। हर्मिशियन मैट्रिक्स हम कहते हैं अगर हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स है, दैट इज द एलिमेंट ऑफ ए मैट्रिक्स इज कॉम्प्लेक्स नंबर और कॉम्प्लेक्स टाइप, देन वी हैव टू फर्स्ट फाइंड द कॉन्जुकेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स, दैट इज कॉम्प्लेक्स कॉन्जुकेट ऑफ द मैट्रिक्स ए। इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुकेट है जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर हैं उन कॉम्प्लेक्स नंबर का जो इमेजनरी पार्ट है या कॉम्प्लेक्स पार्ट है उसके साइन को रिवर्स करके हमको उसका कॉन्जुकेट मिल जाता है। कॉन्जुकेट मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज करते हैं तो उसको ट्रांसपोज कॉन्जुकेट कहते हैं। एंड इफ द ट्रांसपोज कॉन्जुकेट ऑफ द मैट्रिक्स इज गिव्स द सेम मैट्रिक्स ए, और किसी भी मैट्रिक्स या कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स का कॉन्जुकेट ट्रांसपोज करने पर अगर हमको वही मैट्रिक्स वापस मिल जाती है, यानी वही मैट्रिक्स हमको मिलती है, ए ही मिलता है, देन द मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड हर्मिशियन मैट्रिक्स, देन द मैट्रिक्स इज कॉल्ड हर्मिशियन। तो उसको हम कहते हैं हर्मिशियन, और ये हर्मिशियन की प्रॉपर्टी को डिफाइन करता है। तो सबसे पहले हम ए का अगर हमने क्या निकालना है, हर्मिशियन चेक करना है कि हर्मिशियन है या नहीं है, तो पहले हम निकाल लेते हैं कॉन्जुकेट मैट्रिक्स। कॉन्जुकेट मैट्रिक्स ऑफ ए, तो कॉन्जुकेट मैट्रिक्स ऑफ ए मीन्स ए बार एंड इट इज इक्वल टू चेंज और रिवर्स द साइन ऑफ द इमेजनरी पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। तो जो कॉम्प्लेक्स नंबर है केवल उनका इमेजनरी पार्ट चेंज होगा, जो रियल नंबर है उनमें कोई चेंज नहीं होगा। ये कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसका कॉन्जुकेट का मतलब है इमेजनरी पार्ट है माइनस आई, तो इसका साइन रिवर्स कर दो देन इट्स कॉन्जुकेट इज 1 प्लस आई। 2 इज ए रियल नंबर, 1 प्लस आई इज कॉम्प्लेक्स, तो इसका कंजुकेट हो जाएगा 1 माइनस आई। 3 इज रियल, आई का कॉन्जुकेट हो जाएगा माइनस आई। 2 इज रियल, माइनस आई का कॉन्जुकेट हो जाएगा आई। 0 इज रियल नंबर। सो दिस इज द कॉन्जुकेट मैट्रिक्स ऑफ ए। तो इस तरह से हम क्या बनाते हैं, कॉन्जुकेट मैट्रिक्स बनाते हैं। आफ्टर फाइंडिंग द कॉन्जुकेट मैट्रिक्स वी हैव टू ट्रांसपोज द कॉन्जुकेट मैट्रिक्स। अब अगर हम कॉन्जुकेट मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालते हैं देन इट इज कॉल्ड कॉन्जुकेट ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, तो उसको कहते हैं कॉन्जुकेट ट्रांसपोज। तो फिर फाइंड करते हैं कॉन्जुकेट ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए। तो मैट्रिक्स ए का कॉन्जुकेट ट्रांसपोज हम डिनोट करते हैं ए एस्ट्रिक से, एंड ए एस्ट्रिक इज इक्वल टू इंटरचेंज द रोज एंड कॉलम ऑफ द मैट्रिक्स। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन जाएगा,
दैट इज़ वन वन प्लस आई टू। सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में लिख लो, वन माइनस आई थ्री माइनस आई। थर्ड रो को थर्ड कॉलम में लिख लो, टू आई ज़ीरो। हमने जब कॉन्जुगेट ट्रांसपोज निकाला मैट्रिक्स ए का, तो हम चेक करते हैं इट इज़ सेम एज मैट्रिक्स ए और नॉट। तो वन माइनस आई टू, वन वन माइनस आई टू, वन प्लस आई थ्री आई, वन प्लस आई थ्री आई, टू माइनस आई ज़ीरो, टू माइनस आई ज़ीरो। सो दिस इज सेम एज द मैट्रिक्स ए, दैट इज़ द कॉन्जुगेट ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए गिव्स द सेम मैट्रिक्स ए। सो द मैट्रिक्स ए इज हर्मिशियन। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि मैट्रिक्स ए क्या बनेगी, आपकी हर्मिशियन मैट्रिक्स बनेगी। ठीक है, तो इस तरह से हम हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या करते हैं, चेक करते हैं। द अनदर प्रॉब्लम इज ऑन द सेम प्रिंसिपल, उसी बेसिस पे है। हमको एक मैट्रिक्स दी है जो कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स है, जिसमें बहुत सारे नंबर्स क्या हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में एलिमेंट। इसके लिए हमने निकालना है ए बार। ए बार मीन्स कॉन्जुकेट ऑफ ए मैट्रिक्स, एंड ए एस्ट्रिक मीन्स कॉन्जुकेट ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। तो इसका कॉन्जुकेट अगर हम निकालते हैं, द कॉन्जुकेट ऑफ मैट्रिक्स देन कॉन्जुकेट इज ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द साइन और चेंजिंग द साइन ऑफ द इमेजनरी पार्ट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स एलिमेंट। तो जो भी कॉम्प्लेक्स एलिमेंट है इसके इमेजनरी पार्ट का साइन चेंज कर दो। अगर प्लस है तो माइनस आ जाएगा, माइनस है तो प्लस आ जाएगा। इमेजनरी पार्ट है वो पार्ट जिसमें आई कंटेन करता है, तो ये हो जाएगा इसका कॉन्जुकेट वन माइनस टू आई, इसका हो जाएगा थ्री आई, देन माइनस वन माइनस फोर आई। सेकेंड इज थ्री प्लस फोर आई, रियल पार्ट में कोई चेंज नहीं होगा, इसका कॉन्जुकेट हो जाएगा आई, देन माइनस आई फाइव एंड माइनस थ्री। तो दिस इज द कॉन्जुकेट ऑफ मैट्रिक्स ए। नाउ फाइंड द कॉन्जुकेट ट्रांसपोज ऑफ ए। तो कॉन्जुकेट ट्रांसपोज मीन्स ए एस्ट्रिक, इसी को क्या कर दो, रो और कॉलम को इंटरचेंज कर दो, वन माइनस टू आई थ्री आई, माइनस वन माइनस फोर आई, पहली रो को पहले कॉलम में लिख लिया, दूसरी रो है थ्री प्लस फोर आई ज़ीरो एंड आई, दूसरी रो दूसरा कॉलम, माइनस आई फाइव एंड माइनस थ्री, थर्ड रो थर्ड कॉलम। तो दिस इज कॉल्ड द कॉन्जुगेट ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। तो विद द हेल्प ऑफ दीज एग्जाम्पल्स और दीज प्रॉब्लम्स वी कैन फाइंड हाउ टू सॉल्व द बेसिक एल्जेब्रिक इक्वेशन फॉर ए मैट्रिक्स, जिसको मैट्रिक्स इक्वेशन हम कहते हैं, मैट्रिक्स पॉलिनोमियल हम कहते हैं, एंड हाउ वी चेक द मैट्रिक्स इज ए आइडमपोटेंट मैट्रिक्स और हर्मिशियन मैट्रिक्स। ठीक है, नाउ इन द नेक्स्ट लेक्चर वी डिस्कस सम मोर क्वेश्चंस अबाउट अनदर प्रॉपर्टीज ऑफ ए मैट्रिसेस। थैंक यू स्टूडेंट, आई विल सेंड द लिंक ऑफ द वीडियो on your YouTube group, on your WhatsApp group, and also send the PDF notes of the lecture.